प्राउड फील हो रहा है कि हम उधमपुर वासियों को भी, मतलब कभी सोचा नहीं था कि हमारा नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, लेकिन मेरा नाम रजनीश शर्मा है और मैं योग शिक्षक हूँ, एम ए योग शास्त्र है। तो हमने ये सरकार ने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको योग के बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। सूर्य नमस्कार व्यायाम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, व्यायाम पुष्ट गात्रस्य बुद्धिस्ते यो जशो बलम। इससे जो सूर्य नमस्कार है, इससे हमारे बुद्धि तेज यश और बल बढ़ता है। जो मैं सरकार का भी इसके लिए काफ़ी धन्यवाद करता हूँ जो इसने इनिशिएटिव लिया कि योग को घर घर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं खासकर पतंजलि परिवार, बाबा रामदेव जी का भी बहुत धन्यवाद हूं कि उन्होंने योग को लोगों के घर तक पहुंचाया, और सरकार का खासकर इस टाइम जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया 75 करोड़ जो सूर्य नमस्कार का, जो भारत ने जो लक्ष्य प्राप्त किया, इसके लिए मैं बहुत तह दिल से भारत सरकार का भी धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। 26 जनवरी के दिन एक लक्ष्य रखा गया था 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का। उसी के उपलक्ष्य में उधमपुर के कुछ बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन के माध्यम से और सूर्य नमस्कार किया था। आपको बता दें कि वो 75 करोड़ की बजाय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया 750 मिलियन का। ये बच्चे हैं, इनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, इन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ पर हिस्सा लिया, तो इस ये सर्टिफिकेट भी इनको वहीं से मिला है, ऑनलाइन निकाला हुआ है इन्होंने। फिलहाल हम यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अनुकल्प गौड़ा है और मैं एट्थ क्लास में पढ़ता हूँ। और मुझे मतलब कि आपको क्या फील हो रहा है कि इतने बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप भी शामिल थे? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम उधमपुर वासियों को भी, मतलब कभी सोचा नहीं था कि हमारा नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, लेकिन ये स्वास्तिक ट्यूटोरियल और पतंजलि की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जी। और मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है इसी बात से। इसके मैं मतलब स्वास्तिक ट्यूटोरियल को धन्यवाद कहना चाहूँगा और भी जितने भी कॉरपोरेशन इसमें थी उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ चुका है। जी। स्वास्तिक ट्यूटोरियल के जो यहाँ पे हेड हैं, पहले उनसे ही बात करेंगे हम। सर थोड़ा आगे आएँ। सर पहले अपना नाम बताएं। मैं जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है। रोहित जी, किस तरह से तैयारी की गई थी इस इतने बड़े इवेंट के लिए? जी बात ऐसी है कि मैं पहले से ही पतंजलि में नेशनल लेवल पे अवार्डी रह चुका हूँ। स्वामी रामदेव जी ने मुझे नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया, तो मेरा ऑलरेडी उनके साथ टाइप चल रहा था। तो मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक 75 करोड़ जो है सूर्य नमस्कार का जो इस समय एवेंट चल रहा है, तो जिसमें आप सभी लोग अपने उधमपुर के यूथ को पार्टिसिपेट करवाइए और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप जो है हिस्सा बनिए। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी था स्वास्तिक, तो हमने अपने स्टूडेंट्स पे ही भरोसा करते हुए इसको आगे पहुंचाने का लक्ष्य लिया कि हम भी उधमपुर के बच्चे भी, जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं, ये भी एक नेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे भी पार्टिसिपेट करें और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें, कि वो लोग भी, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। कि एक टाइम था कि हमारे उधमपुर के बच्चों के बाहर निकलना पड़ता था, जहाँ से जाना पड़ता था, जम्मू जाते थे, बाहर जाते थे, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि उधमपुर के बच्चों को उधमपुर में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। कि वो टाइम निकल गया पुराना, तो हम यही पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, यही जो आपके माध्यम से हमें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जुड़िए हमसे, आइए। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके उधमपुर में प्रोवाइड नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएं, आपके उधमपुर में जो प्लेटफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं, और आप आइए, आपके लिए सब कुछ खुला हुआ है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद। सर कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था प्रोग्राम में? देखिए जो टोटल जो है, ये है ऑल आपके इंस्टीट्यूट 25, क्योंकि एक तो ऐसा था कि 50 स्टूडेंट्स का जो ये टारगेट रखा गया था, बट हमारे जेएनके के लिए, स्पेशली जेएनके वालों के लिए और जो जहाँ पे कोविड को जहाँ ज़्यादा चल रहा है उन एरियाज के लिए उन्होंने 25 का कम करके उन्होंने बोला कि आप 25 स्टूडेंट्स को इनरोल करवाइए और आप इनको सूर्य नमस्कार करवाएँ। तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी, हमने फिर कोविड का भी ध्यान रखा, उन नियमों का भी पालन किया, तो उसी हिसाब से हम मैनेज करके चले, तो जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। शुक्रिया सर। अभी और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम फिलहाल
इनसे भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम आयुष कुमार है। अच्छा अमित जी, ये मुझे बताएं कि जब ये रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, आपकी फैमिली की ओर से क्या रिएक्शन रहा? फैमिली की ओर से सही रिएक्शन ही था कि बच्चे कुछ कर रहे हैं, अगर लॉकडाउन में है तो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया कि इसलिए जी। तो देखिए, उधमपुर के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। इतने बड़े इवेंट में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है उसमें ये बच्चे शामिल थे, अभी कुछ और भी थे शायद यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। और अगर हम दोबारा आपको बता दें कि ये जो स्वास्तिक ट्यूटोरियल है यहाँ के, यहीं पे ये बच्चे पढ़ते हैं और इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, इस रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।